हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आपके लिए बहुत बेहतरीन हम भैंसा लेकर के आए हैं। आपकी डिमांड पर कि बहुत सारी कमेंट मैंने देखी थी कि डॉक्टर साहब चंदली भैंसे दिखाओ, तो मैं आपको चंदली भैंस दिखा रहा हूँ। ब्रीड आपके सामने है। देखो, ये आँख का साइज में दिखा रहा हूँ, अडर का साइज में दिखाऊँगा। इस वक्त डूब चुकी हैं, दूली हैं ये, फटाफट। अडर का साइज ये 2.5 महीने की 51 है। और दूध भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कितना दूध है। दूसरी भैंस ये है, बिल्कुल बेहतरीन मुर्रा है। और ये इसका मेल है, कटरा देखो, साइज देखो, कितना जबरदस्त कटरा है इसका। इसका अडर दिखाता हूँ, हटी बेटे, हटा। अडर का साइज देखो, जबरदस्त साइज है। मैं बताऊंगा कि कितनी 51 है। ये 51 3.5 महीने की 51 है। ये देखो, रात ही आई है डेयरी से, हिसार की डेयरी से आई है। हिसार डेयरी फार्म के नाम से बहुत बड़ी डेयरी थी, वहाँ से हम 2 टाइम दू करके लेकर आए हैं आपके लिए। ये देखो, जबरदस्त अडर का साइज। और जिसकी बैन है, मैं दिखाता हूँ आपको कितनी जबरदस्त बैन है। अगर कोई जो दूध पहचानने वाला होगा, शौकीन आदमी होगा, वो पहचानता है कि अडर, इस अडर की जो साइज़ होती है, जो ये बैन होती है, कितने लंबी दूध की भैंस होती है। मालिक ने बताया था कि ब्याने के बाद इसने 22-24 लीटर दूध निकाला था। ये देखो, लंबी चौड़ी भैंस है, ज़बरदस्त भैंस है। ऐसी भैंसें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वो ही नहीं दिखाता कि सिर्फ मोटी भैंस हो, मांस हो। मांस वाली नहीं चाहिए, जिसका आगम हो और जिसके दूध होना चाहिए। हटा, दूध होना चाहिए, आगम होना चाहिए। हटी बेटे, हटा। थकी हुई भैंसे हैं ये, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से चल के आई हैं। जबरदस्त ब्रीड है, जबरदस्त साइज की ब्रीड है। ऐसी भैंसे मैं दिखाता हूँ कि लोगों को दिल खुश हो जाए, जो ले जाने के बाद में यहाँ दोबारा आए और बोले। तो हाइट देखो, तकरीबन लंबाई में इसकी 8.5 फुट हाइट है, और लंबाई में 8.5 फुट है, और तकरीबन 5.5 फुट 6 फुट के लगभग है। देखो कितनी जबरदस्त हाइट है। मैं आपको वो भैंसे दिखाता हूँ जो ले जाने के बाद दोबारा आए और शिकायत नहीं मिले, क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं है कि आज दे दी कल का काम नहीं है। मेरा तो हमेशा का काम है। आपको वो भैंस दिखाता हूँ मैं कि आपको जो दिल खुश हो जाए। यहाँ से देखो कितनी प्योर मुर्रा है। दूसरा भैंस है ये, सॉरी तीसरा बताया था मालिक ने। दूसरे का ये कटरा है, ये मेल है, ये है इस वक्त इसका। और ये हाथ से पचके, इसका मैं दिखाता हूँ। हाँ बेटे, थकी हुई भैंसा है, देखो कितनी प्यारी भैंस है। ऐसे ही बैठ जाओ, जरा सी लात नहीं मारती, कुछ नहीं, बस ऐसे बैठ जाओ, 5 मिनट में पस जाती है, 5 मिनट में। जबरदस्त देखो, जबरदस्त भैंस है। हटा बेटे, बहुत सीधी भैंस है, कितनी प्यारी भैंस। और चंदली, लोगों का कहना था कि चंदली भैंस दिखाओ, दोनों पैरों में है और बिल्कुल लाल हो रही है। डेयरी की भैंस है, डेयरी में क्या धूप देखने को मिलती नहीं है। गोबर का साइज देखो, गोबर आदमी बता देता कि कहाँ की भैंस है। हरियाणा जहाजगढ़ की है, ये गोबर है इसका। रात ही आई हैं, 2 टाइम दूध डेयरी में दूध करके लेकर आए थे। बहुत ही बेहतरीन भैंस है। अपना डॉक्टर साथ लेकर आए, चेक करके पास करा के लेके जाएं। प्राइस की बात करें तो इसके 75,000 रुपये हैं, मांगने के 75 हैं, लेने के हाना 72,000 रुपये, और इसके लिए मांगने के 82 हैं और लेने के हाना 80 हैं। दूध इसके नीचे 11 लीटर दूध है, ये मेल है इसका, और इसके नीचे 10 लीटर दूध है, ये हाथ से पचका है। एड्रेस की बात करें तो हमारा एड्रेस है गाँव खानपुर बंद, थाना असमोली, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। एक बार फिर बता देता हूँ, गाँव खानपुर बंद, थाना असमोली, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस स्क्रीन पर नंबर पर बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं।
खानपुर बंद में आके किसी से भी पूछ लेना, कोई भी आपको बता देगा। सभी भाइयों से मैं कहता हूँ कि आप कमेंट में अपने गांव का नाम, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है और कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि एक बार किसान भाई मेरे पास आएँ, ऐसी भैंस लेकर के जाएँ कि दोबारा मेरे पास आएँ, उनका दिल खुश हो जाए। तकरीबन जिस कीमत की भैंस है उस कीमत का दूध भी दे दें, उनका गैप बच जाए और बच्चे बच जाएँ। मैं वो भैंस नहीं दिखाता कि मोटी तगड़ी हो, दूध नहीं दें, शिकायत नहीं आनी चाहिए। बस ऐसा कि जब मैं 10 लीटर दूध बता रहा हूँ तो तुम्हारे यहाँ कम से कम 12 लीटर दूध देनी चाहिए भैंस, तब तो मेरे यहाँ दोबारा किसान आएगा। आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी फैला दें। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला चैनल ये है जो जेन्युइन ओरिजिनल चीज़ है जो मैं दिखाता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लेकर आऊँगा। धन्यवाद। आपका साथी, आपका डॉक्टर।